तो ये वाला ढाई सौ की गारा की कोट है यार, वही तो देख रहे हैं गारा की कोट 250 में मिल रही है, अच्छी लग रही है ना। यही जैकेट कितने की आएगी? 650। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जस्टेल ब्लॉग्स। मैं हूँ जैस्मिन। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, आप सबकी दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, मैं आ गई हूँ फिर से गदौलिया मार्केट कुछ शॉपिंग करने, तो सोचा आपके साथ भी ये ब्लॉग शेयर कर दूँ। और विंटर कलेक्शन भी था तो वो भी मैं शेयर कर देती हूँ उससे पहले कि विंटर चला जाए। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो गाइज़, अभी मैं आ गई हूँ फुटवेयर की शॉप पर, और ये वाली जो क्लिप है ना, ये थोड़ा पहले की है, मेरे बर्थडे के टाइम की। तो मैंने यहाँ से एक सैंडल ली थी, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। यहाँ पे बेल्ट की स्टॉल लगी थी जिसमें अच्छे अच्छे कलेक्शन थे जो ऑनलाइन आपको मिलते हैं, बेल्ट वो यहाँ पे मिल जाएंगे। आप गदौलिया मार्केट आते हो तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे, 100 से स्टार्टिंग थी, 120, 130 ऐसे अलग अलग प्राइस थे। अगर आप चाहो तो बार्गेनिंग करके कुछ कम भी कर सकते हो, की बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी है तो। और कहीं कहीं फिक्स प्राइस भी रहता है जहाँ आपको बिल्कुल कम नहीं करेंगे, बट आप ट्राई कर सकते हो। यहाँ भी नीचे ऐसे लगे हुए थे बॉटम और टॉप उलेन वाले, जो आपको 500-350 ऐसे मिल जाएंगे। उसके बाद आगे मेरी फेवरेट स्टॉल जहाँ पे मिल रहे थे इयररिंग्स, और इयररिंग्स के साथ कुछ नए चीज़ भी आए थे जो मैं दिखाती हूँ। जैसे इसमें ऐड हुआ था थोड़ा बैंगल्स ये वाला, तो ये मेरे को अच्छा लगा तो मैंने इसको ले लिया तुरंत। ये 100 रुपीज़ में था, और बाकी ये सारी इयररिंग्स आप जो देख रहे हो सब 100 रुपीज़ में हैं। तो बहुत अच्छी अच्छी न्यू डिज़ाइन की आ गई है इयररिंग्स, बट मैंने इयररिंग्स अभी बाय नहीं की, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे। मैं देख तो रही हूँ कि मेरे को कुछ अच्छी लग जाए, बट मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रही। बहुत हैवी वाली थी, मुझे छोटी में चाहिए थी। कोई नहीं, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, आप देख लेना। नीचे वाली कितने की है? सारे 100 है। ये वाला ये अच्छा लगा। तो मैं थोड़ा आगे बढ़ी तो यहाँ पे भैया नीचे ऐसे दुकान लगा के बेच रहे थे, जहाँ पे 650 की कोट मिल रहे थे। तो मैंने कुछ प्राइस लगाई तो भैया ने थोड़ा कम भी कर दिया, 450 मुझे लेना नहीं था। अगर लेना होता तो मैं 300 या 250 ऐसे प्राइस लगाती, तो भैया मान भी जाते, दे भी देते। तो गाइस, आप यहाँ पे आओ तो आप ज़्यादा ट्राई करो कि बार्गेनिंग करो, ताकि आपको थोड़े कम प्राइस पर मिल जाए। अच्छा लग रहा है बच्चों, 450 नहीं भैया। मुझे यहाँ पे गोलगप्पा की स्टॉल दिख गई, तो गोलगप्पा खाए बिना तो मैं जा नहीं सकती थी, तो मैं यहाँ पे अब गोलगप्पा का वेट कर रही हूँ, खा लेती हूँ, उसके बाद मैं आगे चलती हूँ और आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ। तो गाइस, लास्ट तक वीडियो देखना, एंजॉय करना, और लाइक कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब भी कर लेना, जल्दी से मेरे 5K कंप्लीट करा दो गाइस। तो गाइस, यहाँ पे इस मार्केट में आपको ऐसा शोरूम भी मिल जाएंगे, इससे पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था, बट अंदर का शेयर नहीं किया था। कोई नहीं, मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर कर दूँगी जब मैं शॉपिंग करने जाऊँगी। तो यहाँ पर आपको लहंगे, गाउन, बनारसी साड़ी, मतलब आपको शादी वाले कपड़े जो भी चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। मेरे ऑनलाइन शॉपिंग के बाद मेरा फेवरेट मार्केट यही है बनारस में, ये नई सड़क जहाँ से मैं ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। तो गाइस, आप भी अगर गदौलिया में, तो आपको पता ही होगा जो बाहर से घूमने आते हैं उनको मैं बता रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ, मुझे एक वुलन स्टोल लेनी है, तो मैं देखती हूँ अगर मेरे को पसंद आती है तो मैं लूँगी। ये देखिए, ये वाला आएगा 400 400 400।
थोड़ी सी हल्की शॉर्ट। ये वाली कितने की है? वही 530 450 की पड़ेगी भैया। जो शॉल भी आती है पतली में जिसमें स्टोन लगा होता है वो वाला भी दिखा दीजिए। ये सब कितने की आएगी? 530 अरे 590 590 कुछ डिस्काउंट नहीं भैया? 15% कर दूंगी, 500 की पड़ेगी। 700 की पड़ेगी। है मम्मी वाले लग रहे हैं ना वो? आज तो देखिए ये आएगा 590 का है 5। तो गाइस अभी मैंने स्टोर ले लिया, मैं जा रही हूँ घर क्योंकि मेरी शॉपिंग हो गई है, मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली। उसके बाद यहाँ पे आई तो यहाँ पे भी 250 के सेल लगे हुए थे स्वेटर के, 250 जा रहे थे। उसके बाद मेरे को बगल में दिख गई ये वाली शॉप जहाँ पे ज़ारा का 250 का मिल रहा है। कोट कितने की है? 250 की ज़ारा की कोट है यार। आपको ऐसे साइड में छोटी छोटी सी शॉप दिख जाएगी जहाँ आपको वुलन पजामे सेट और अदर शॉप भी है तो आपको वो भी मिल जाएंगे। उसके बाद मेरे को लास्ट में याद आया कि मैं तो ग्लासेस लाई थी और मैं लगाना भूल गई, तो मैं जाते जाते लगा ली और थोड़ी पिक्चर्स और रील्स भी बना ली। उसके बाद मुझे दिख गई मलाइयो, विंटर में स्पेशली यहाँ की मलाइयो बहुत फेमस। अगर आप विंटर में आते हो बनारस तो मलाइयो ज़रूर खाना, यहाँ पर 40 रुपीज़ की थी। तो गाइस मैं अपना ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करना और जल्दी से सब्सक्राइब करके मेरी सब्सक्राइबर 5K कर दो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।